हेलो गाइस, 25 फीट बाई 30 फीट का एक इंडियन हाउस प्लान के बारे में डिस्कस करने वाले हैं आज, जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इसमें आपको 3 BHK का प्लान मिल जाएगा, 750 स्क्वायर फीट प्लॉट एरिया है। वीडियो में सारा कुछ जानकारी आपको दिया रहेगा, एक घर बनाते वक्त क्या क्या चीज़ आपको लगेगा। तो वीडियो के एंड में भी आपके लिए थोड़ा बहुत एक सरप्राइज़ हम लोग तैयार किए हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रणव चौधरी, सिविल पार्सल में सभी को स्वागत है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अभी आप बिल्डिंग का आउटर लाइन देख रहे हैं, इसमें वॉल, विंडो, डोर्स वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा, देन आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया जाएगा। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कलम पोजीशंस जो है, पहले हम लोग कलम पोजीशन के बारे में बात करेंगे कि कहाँ कहाँ पे कलम पोजीशंस होने वाला है। तो अगर आप एक सिविल इंजीनियर हो तो कलम पोजीशंस आपको जानना बहुत आवश्यक होगा, क्योंकि एक कलम पोजीशंस बहुत मायने रखता है इस घर में। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का हम लोग कलम पोजीशंस यहाँ पर डाल रहे हैं, एंड आप भी कुछ इस तरीके का ही डालने का कोशिश करेंगे। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, सारा कलम पोजीशंस हम लोग प्रोवाइड कर चुके हैं। एंड यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो हम लोग यहाँ पे 13 पीस कलम प्रोवाइड करेंगे। कलम साइज़ जो होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे 10 इंची बाई 12 इंची का कलम साइज़ हम लोग प्रोवाइड करेंगे, एंड कलम पोजीशंस तो आप लोगों को दिखाई चुके हैं। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे वॉल साइज़। आप लोगों के पास जितना सारा वॉल देखने को मिल रहा है, आउटर वॉल एंड इनर वॉल 6 इंची हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। इनर वॉल एंड आउटर वॉल 6 इंची हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। एंड अभी रूम साइज़ के बारे में आ जाते हैं। तो फर्स्ट जो एंट्री पॉइंट है हम लोग का, कुछ इस तरीके का यहाँ पे एंट्री आपको देखने को मिलेगा। मेन एंट्रेंस यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा, मेन एंट्रेंस यहीं पे है। एंड जो पैसेज यहाँ पे मिल रहा है आपको, यहाँ पे एक पैसेज मिल रहा है, इसका जो आपको लेंथ मिल रहा है 3 फीट 9 इंची आपको यहाँ पे पैसेज मिल रहा है, ओके। एंड यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा ये 10 फीट आप लोग देखने को मिलेगा, ओके फ्रेंड्स। बिल्डिंग में एंटर करते हुए ही आपको राइट हैंड साइड में देखने को मिलेगा ये स्टेयर, ओके। स्टेयर हम लोग अप करेंगे कुछ इस तरीके का यहाँ पे, देन यहाँ पे आपको लैंडिंग मिल जाएगा, देन यहाँ पे अप करके हम लोग फर्स्ट फ्लोर में पहुँचेंगे, ओके। स्टेयर का जो लेंथ आपको देखने को मिलेगा 3 फीट आपको स्टेयर का लेंथ देखने को मिलेगा, एंड जो लैंडिंग का साइज़ होगा ये 3 फीट एंड 6 फीट यहाँ पे आपको साइज़ देखने को मिलेगा, ओके। एंड यहाँ पे जो स्टेयर का साइज़ है यहाँ से यहाँ तक ये 6 फीट 9 इंची आपको मिलेगा, एंड स्टेयर का जो ट्रेड आपको देखने को मिलेगा ये 8 इंची आपको दिया रहेगा। प्रॉपर वेंटिलेशंस के लिए आपको विंडो प्रोवाइड किया जाएगा, यहाँ पे प्रॉपर वेंटिलेशंस के लिए 2 विंडो, ये फ्रंट में डिज़ाइन के लिए, ये एक प्रॉपर वेंटिलेशंस के लिए, ओके। देन फर्स्ट बेडरूम में आ जाते हैं फ्रेंड्स। ये एंट्री करते हुए ही फर्स्ट आपको बेडरूम मिलेगा। बेडरूम में एक बेड रखा हुआ है, देखिए बेडरूम में आने के लिए आपको डी डोर प्रोवाइड करना पड़ेगा, डी डोर, एंड मेन एंट्रेंस पे भी डी डोर हम लोग प्रोवाइड करेंगे। बेडरूम में प्रॉपर वेंटिलेशंस के लिए डब्ल्यू विंडो प्रोवाइड करेंगे, एंड बेडरूम का साइज़ होगा फ्रेंड्स 10 फीट लेंथ एंड 10 फीट विड्थ, ओके। 10 फीट बाई 10 फीट बेडरूम का साइज़ है, ओके। देन यहाँ पर एंटर करते ही हम लोग यहाँ पर एक छोटा सा लॉबी मिल जाएगा हम लोगों को। लॉबी एरिया का जो साइज़ होगा फ्रेंड्स 8 फीट 3 इंची आपको मिलेगा लेंथ पे, एंड विड्थ पे मिलेगा 7 फीट 10 इंची, ओके फ्रेंड्स। 8 फीट 3 इंची बाई 7 फीट 10 इंची आपको एक लॉबी मिल जाएगा। आपको यहाँ पे एक कॉमन टॉयलेट का बाथ भी मिलेगा, कॉमन टॉयलेट का बाथ। इसका साइज़ होगा 5 फीट 6 इंची लेंथ एंड 8 फीट आपको मिलेगा विद। प्रॉपर वेंटिलेशन यहाँ पे मिल जाएगा, एंड D1 डोर भी यहाँ पे आपको मिलेगा, ओके फ्रेंड्स। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको मिल रहा है ड्राइंग कम किचन, ओके। आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपको मिल रहा है ड्राइंग कम, मतलब एक ही साथ ड्राइंग के साथ ही अटैच किचन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ओके। देख लीजिए हर एक चीज़ यहाँ पे, सोफ़ा वगैरह, टीवी, एंड इस साइड में किचन का हर एक चीज़ दिया जाएगा। यहाँ पे 9 फीट 6 इंची आपको मिलेगा लेंथ एंड 12 फीट आपको मिलेगा विड्थ में,
ओके, स्पेस थोड़ा छोटा है लेकिन बहुत अच्छा लगने वाला है इसका। अगर 3D आपको चाहिए तो मैं 3D भी इसका प्रोवाइड कर सकता हूँ फ्रेंड्स आपके लिए। प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे W1 विंडो प्रोवाइड किया है, थोड़ा बिग साइज़ का विंडो हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे फ्रेंड्स, बहुत अच्छा सही बनने वाला है। इसके बाद जो और एक बेडरूम है, इस बेडरूम को भी हम लोग देख लेते हैं। इस बेडरूम में आने के लिए, सेकेंड वाला बेडरूम में आने के लिए डी डोर प्रोवाइड करना पड़ेगा एंड डब्लू विंडो हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। इस बेडरूम का साइज़ जो होगा 13 फीट 6 इंची बाई 10 फीट, ओके 13 फीट 6 इंची यहाँ पे मिल रहा है एंड 10 फीट हम लोग को यहाँ पे मिलेगा, ओके 13 फीट 6 इंची बाई 10 फीट। एंड इस बेडरूम में आने के लिए हम लोगों को जो डोर देना पड़ेगा, डी डोर प्रोवाइड करेंगे, प्रॉपर वेंटिलेशन डब्लू विंडो डालेंगे एंड बेडरूम का जो साइज़ होगा 10 फीट बाई 10 फीट, ओके 10 फीट बाई 10 फीट हम लोग बेडरूम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं फ्रेंड्स, ओके। तो सारा कुछ जानकारी मैं आप लोगों को दिया, कितना कहाँ पे कितना साइज़ का प्रोवाइड करेंगे। एंड अभी डोर एंड विंडो का बात कर लेते हैं। देख लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग डी डोर प्रोवाइड किए हैं, D1 डोर प्रोवाइड किए हैं, ओके। तो डी डोर जो होगा ये 3 फीट बाई 7 फीट होगा, D1 जो डोर होगा ये 2.5 फीट बाई 7 फीट होगा, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद वेंटिलेशंस विंडो 1, तो वेंटिलेशंस जो है 2 फीट बाई 1 फीट का होगा, विंडो जो है ये आपका 4 फीट बाई 4 फीट का होगा एंड W1 जो है 5 फीट बाई 4 फीट का होगा, ओके फ्रेंड्स आप समझ सकते हैं। इसके बाद जो हम लोग फुटिंग प्रोवाइड करेंगे, अभी फुटिंग डिटेल्स में आ जाएंगे। फुटिंग जो प्रोवाइड करेंगे फ्रेंड्स, देखिए मान लीजिए ये कलम हो गया आपका 10 इंची बाई 12 इंची का, इसके नीचे जो मतलब सब स्ट्रक्चर में जो मिट्टी के नीचे रहता है वो फुटिंग है, 5 फीट हम लोग प्रोवाइड करेंगे, 5 फीट बाई 5 फीट, ओके फुटिंग साइज। अभी बिल्डिंग कॉस्टिंग में आ जाता है फ्रेंड्स, आपका जो यहाँ पे है 25 फीट लेंथ में देखने को मिल रहा है एंड 30 फीट विड्थ में देखने को मिल रहा है। टोटल बिल्डिंग का एरिया हो गया 750 स्क्वायर फीट। अभी आपका टोटल जो कॉस्ट आएगा 9 लैक्स टोटल खर्चा आएगा इस बिल्डिंग को बनाने में। इसका अगर ग्राउंड फ्लोर बनाएंगे, ओनली ग्राउंड फ्लोर बनाएंगे प्लिंथ लेवल दे के, तो इसका खर्चा पड़ेगा आपका 9 से 10 लाख। एक्चुअली ये वेरी करेगा, आप जिस स्टेज से हो वहाँ पर मटेरियल कॉस्ट कितना ज़्यादा है तो उसके लिए भी थोड़ा बहुत आपको देखना पड़ेगा, लेकिन आपको 9 to 10 लाख में ये घर आराम से बना सकते हैं आप। तो वीडियो कैसा लगा आप मुझे बता सकते हैं। अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। आपके लिए जो सरप्राइज़ है फ्रेंड्स, इसका PDF फाइल हम लोग प्रोवाइड करेंगे मेरे वेबसाइट पर civilparcela.com, वहाँ पर जाके आप फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो यही था हम लोग का आज का जो प्लान, अगर आपको पसंद आ रहा है तो फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।